हे गाइस वेलकम टू स्पार्टन सब। आई होप गाइस आप अच्छे होंगे। सो गाइस फाइनली कल हम लोग का जो सप्लाई क्रेट है वो रिफ्रेश होने वाला है पबजी मोबाइल एंड बीजीएमआई के अंदर। तो जैसे हम लोग क्रेट्स में क्लिक करेंगे उसके बाद आप देख पाए सप्लाई क्रेट में, इधर आप देखो 15 घंटा 55 मिनट बाद हम लोग का जो सप्लाई क्रेट है वो रिफ्रेश होने वाला है और न्यू आइटम आपको देखने को मिलेगा जो कि काफी ओपी है। तो इससे पहले कि मैं आपको कंप्लीट लिस्ट दिखाओ, आप डेफिनेटली कमेंट करो कि अभी तक आपने कितना सप्लाई क्रेट जमा किया है, क्योंकि सप्लाई क्रेट जो कूपन्स होता है वो इजीली आपको मिल जाता है छोटा मोटा इवेंट में, तो अच्छा खासा अमाउंट आप जमा कर सकते हो। और कल वाला क्रेट तो डेफिनेटली मिस आउट मत करना। जो जो बंदे को यूएस का स्किन चाहिए अपना लक ट्राई कर सकते हो सकेगा तो आपको मिल भी सकता है यूएस का स्किन। हालांकि मेरे पास तो ऑलरेडी है तो मैं डेफिनेटली यूएस का स्किन तो नहीं चाहूंगा। कार 98 का जो स्किन है वो भी मुझे काफी अच्छा लगा तो वो कल मिल जाएगा तो डेफिनेटली मजा आ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ी देर में आपको मैं लिंक्स दिखाने वाला सप्लाई क्रेट का, बट उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बीजीएमआई का ऑफिशियल साइट में आप देख पा रहे। आपको पता है कि जब से 1.6 का अपडेट आया था बहुत सारा बग्स एंड ग्लिचेस आपको देखने को मिल रहा गेम के अंदर। तो जैसे जैसे बग्स एंड ग्लिचेस फिक्स होते जाता है तो वो अपने वेबसाइट में ये लोग पब्लिश करते रहते हैं। ठीक है, अब ये चीज देख के मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है क्योंकि भाई मेरा जो अचीवमेंट पॉइंट है ठीक है वो अभी तक घटा नहीं है। ठीक है, और इसमें ये लोग काट दिया है उसको, तो अभी मुझे आइडिया नहीं कि भाई अभी तक अचीवमेंट पॉइंट क्यों नहीं घटा है और ये लोग घटाना चाहते भी है कि नहीं और भूल भी गया ना क्या है, ये लोग ही जाने। तो इसके लिए हम लोग को वेट करना होगा क्योंकि हम लोग इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, वो लोग की तरफ से ग्लिच है और वो जब फिक्स करेंगे तो आप रेडी रहना कि अचीवमेंट पॉइंट कभी भी जा सकता है। अगर नहीं फिक्स किए तो आपको फ्री में बल्ले बल्ले हो गया, अचीवमेंट पॉइंट सबको मिल गया, मौज कर लिए। ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग का टाइम ही बताएगा, बट फिलहाल के लिए अभी देख पा रहे हो कि बहुत सारे इशू ये लोग फिक्स किए हैं। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं जो इशू अभी तक फिक्स नहीं हुआ वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इशू वेयर रैंकिंग सीजन इज शोन एज सीजन 1। तो ये चीज़ आपको समझ नहीं आया तो चलो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आप सीजन में क्लिक करोगे, मैं आपको सीजन में क्लिक करके दिखाता हूँ, और इधर आप देख पा रहे टॉप लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे साइकिल 1 सीजन 1 लिखा हुआ, जबकि ये साइकिल 1 सीजन 2 है। तो ये चीज़ को अभी तक फिक्स नहीं किया गया और इसमें अभी तक बोला भी नहीं गया कि इसको हम लोग फिक्स कर दिए, तो बहुत ही जल्दी आपको इसमें साइकिल 1 सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज बहुत जल्दी फिक्स हो जाएगा, इसका अभी तक कटआउट नहीं हुआ, मतलब ये अभी तक प्रोग्रेस में, ये बहुत ही जल्दी फिक्स हो जाएगा। सेकंड जो इशू आप देख पा रहे जो कि फिक्स हो चुका है, इशू वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू अटैक व्हेन द अटैक बटन इज ओवरलैप्ड विद द गेम लेवल। तो चलो मैं आपको शॉर्ट में इसको समझा देता कैसे काम करता है। तो जब भी आप नॉर्मल मैचेस खेलते हो तो आपको पता होगा टॉप लेफ्ट साइड में आपका गेम का लोगो दिखता है। अगर आप पबजी मोबाइल खेलते हो तो पबजी का लोगो रहता है, बीजीएमआई खेलते हो तो बीजीएमआई का लोगो रहता है। कभी कभी ये होता है कि जो लोगो है उसका ऊपर आपका फायर बटन चल जाता है, तो जब आप मैच में खेलते हो तो आपको उतना ध्यान नहीं रहता और आप लोगों में क्लिक कर रहे हो तो वो काम नहीं कर रही है अपडेट के बाद, क्योंकि वो ओवरलैप हो गया था लोगों के ऊपर। तो वो चीज़ का भी फिक्स कर दिया गया, अगर आप अभी लोगों में भी क्लिक करोगे और उसके साथ साथ अगर उसके नीचे फायर बटन रहता है फिर भी वो काम करेगा। ठीक है, तो एक तरह का आप बोल सकते हो लोगो ट्रांसपेरेंट हो गया, नीचे आपका फायर बटन रहेगा फिर भी वो काम करेगा। ठीक है, ओवरलैप के बाद भी, तो ये चीज़ फिक्स कर दिया गया। उसके बाद आप देखो थर्ड इशू जो कि फिक्स हो गया है, इशू वेयर नो इमेज इज शोन इन इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इन चेयर पार्क। तो आपको पता है चेयर पार्क में बहुत सारा क्विक मैचेस होता है, फाइट होता है, और उसके साथ साथ एक एरिना भी बनाया हुआ जहां फाइट करता है और ऊपर स्कोरिंग दिखता है, तो वो चीज़ शायद ग्लिच्ड आउट था, वो दिख नहीं रहा था सही से, तो वो चीज़ को भी शायद फिक्स कर दिया गया है बीजीएमआई की तरफ से। उसके बाद आप देख पाए इशू वेयर प्लेयर्स टाइटल इज शोन क्राउडेड इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर इन द मैच। तो ये चीज़ तो आई गेस आप सबको पता है, जब आप क्लासिक मैच खेलते थे जब अपडेट आया था 1.6 का तो टॉप लेफ्ट साइड में आपको बहुत सारा टाइटल दिखता था, तो वो चीज़ को फिक्स कर दिया गया है, अभी आपको वो चीज़ नहीं दिखता है। उसके बाद आप देख पा रहे इशू वेयर रॉन्ग आइटम इज क्लेम एज अचीवमेंट रिवॉर्ड। तो जो इशू था डोनकासु मेडल का वो चीज़ को फिक्स कर दिया गया, अभी कोई भी बंदा आएंगे ये वाला क्लाइंट 1.6 का तो डोनकासु मेडल नहीं मिलेगा। ठीक है, वो चीज़ फिक्स कर दिया गया। इशू वेयर सम अचीवमेंट आर एक्सपोज डुप्लीकेट, तो अभी जो नया बंदे आएंगे तो उन लोगों को डुप्लीकेट आइटम नहीं मिलेगा अचीवमेंट से, वो फिक्स कर दिया गया है। और उसके साथ साथ इशू वेयर मल्टीपल अचीवमेंट पॉइंट आर क्लेम, तो जो अभी मल्टीपल अचीवमेंट पॉइंट क्लेम होता था वो चीज़ को ही फिक्स कर दिया गया। अब इधर कहीं भी क्लियरली लिखा हुआ नहीं है कि जो जो बंदे ऑलरेडी क्लेम कर चुके उन लोगों का घटे है कि नहीं, क्योंकि मेरा अभी तक घटा नहीं है। ये जितना भी आप फिक्सेस देख रहे हो अभी नया आईडी जो लाएगा उन लोग को ये फिक्स दिखेगा, बट हम लोग का जो क्लेम हो चुका है ऑलरेडी उन लोग का पॉइंट जाएगा कि नहीं ये चीज़ अभी उन लोग मेंशन नहीं किए। अगर नहीं जाते हैं तो भाई इन्जॉय करो आपका पॉइंट। और उसके बाद आप देख पा रहे हैं सारा एंड एंडी वॉइस पैक दैट नॉट विजिबल इन इन्वेंटरी आर फिक्स। तो ये चीज़ हाँ फिक्स हो गया, मैंने नोटिस किया, सारा एंडी का जो वॉइस पैक था वो आ चुका है
और बहुत सारा और भी वॉइस पैक था वो भी शायद आ चुका है, ठीक है। तो अगर और भी कुछ कुछ वॉइस पैक आया नहीं तो धीरे धीरे वो चीज़ बीजीएमआई वाला फिक्स कर देगा। टेंशन मतलब सब वॉइस पैक आपको मिल जाएगा जो आपके पास ऑलरेडी था, ठीक है ना। उसके बाद आप देख पा रहे पॉपअप बैनर नॉट क्लोजिंग इन लॉबी, तो ये तो बहुत पहले फिक्स हो गया था, मैं आपको दिखा चुका था। तो ये कुछ चीज़ें था जो कि फिक्स कर दिया गया और जिसमें से अचीवमेंट भी वो लोग बोल रहे फिक्स कर दिए, बट पॉइंट क्यों नहीं घटा छोड़ो क्या ही बोले अब। तभी हमने कंप्लीट सप्लाई क्रिएट कर लीक्स देखने वाला जो कि कल आपको देखने को मिलेगा। थैंक्स टू बीजीएमआई जिन्होंने मुझे कंप्लीट लीक्स प्रोवाइड किया है, उनका चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप जाके सपोर्ट दिखा सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिथिक आइटम आपको सप्लाई क्रिएट में दिखाई देगा इसका नाम है लिथोनन परसेट सेट, ठीक है। और इसका भी हेडगियर देख पा रहे हो, ये मिथिक आउटफिट और हेडगियर है और इसका इमोट भी काफ़ी ओपी है। ये अगर मिल गया तो बल्ले बल्ले, बट उसका मुंडी ना मिले क्योंकि भाई मुंडी पसंद नहीं है। अगर आउटफिट मिल गया तो क्या ही कहना, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे हो फर्स्ट लेजेंडरी आइटम आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है लिथोनन परसेट बैकपैक, ठीक है। इसका तीनों लेवल आप देख पा रहे हो, कैसा लगा कमेंट करना। लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3, तीनों लेवल मुझे काफी ठीक ठाक से लग रहा है। उसके बाद जो मेन चीज मुझे ये क्रेट से चाहिए हुआ फ्यूजन डेमोलिसर कार 98, ये मिल गया तो मजा आ जाएगा। उसके बाद सबका फेवरेट लिथोनन परसेट यूएस, मैक्सिमम लोग इसके चलते ही कल क्रेट ओपनिंग करने वाले, बट मेरे पास है तो मैं नहीं चाहूंगा। मेरा वाला भाई लक किसी को दे देना, उसको मिल गया तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे को नहीं मिलना चाहिए तो बर्बाद। उसके बाद ये भी चीज़ मेरे पास है लिथोनन परसेट स्टंट ग्रेनेड, ये भी मुझे नहीं चाहिए भाई, ये भी दूसरा को देना, मेरे को मत देना भाई, बहुत ज़्यादा स्कैम हो जाएगा, सिल्वर बन जाएगा लास्ट में जाके, ये लेजेंडरी मिलेगा फिर पता चला सिल्वर। उसके बाद देखो यार पिनोकियो सेट एंड उसका आउट हेड गियर कैसा लगा कमेंट करना, ये भी ठीक ठाक से ये भी मिलेगा तो चल जाएगा। और उसके बाद जो एपिक आइटम आपको दिखाई दे रहा है उसका नाम है लिथोनन परसेट पैरासूट, ये भी काफ़ी ठीक ठाक से लग रहा है, बट एपिक आइटम है तो ये भी मिलने का चांसेस है, कल आपको देखने को मिलेगा। फेरल स्कैवेंजर वीएसएस भी आपको देखने को मिलेगा ये वाला सप्लाई क्रेट में, उसके साथ साथ फेरल स्कैवेंजर हेड गियर और जो आउटफिट है तो यही तक की चीज़ दे देगा, मुझे पता है ये वाला हेड गियर दे देगा, नहीं तो भाई ये आउटफिट दे देगा। सबसे खराब बात ये है सप्लाई क्रेट के भाई टाइम लिमिटेड चीज़ भी भरा पड़ा रहता है, तो टाइम लिमिटेड चीज़ भी ज़्यादातर मिलने के चांसेस है। उसके बाद क्यूवी का स्क्रीन भी है कि तो टाइम लिमिटेड आप देख पा रहे हो, स्क्रैप ग्राफिटी वही सब भरा पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये था कंप्लीट लीक्स, उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन कैसा लगा ये वीडियो डेफिनेटली कमेंट करना। थैंक यू सो मच गाइस एंड हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।